लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही गठबंधन की पार्टियां जल्द से जल्द अपने हिस्से की सीट फाइनल कर लेना चाहती है। एनडीए में जो सीटों का फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी को 17, जेडीयू को 17 और लोजपा को 6 सीटें मिली है, लेकिन कुछ सीटों को छोड़कर बीजेपी ने अपने हिस्से की इन सीटों को फाइनल कर लिया है। बीजेपी पटना साहिब, उजियारपुर, मोतिहारी, बेतिया, भागलपुर, बेगूसराय, गया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सिवान, छपरा, पाटलिपुत्र सीट पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी, जबकि 4 सीटों पर जीत जारी है। बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में इस पेंच को भी सुलझा लिया जाएगा। खबर तो यह भी है कि बीजेपी नेतृत्व ने इन सीटों के उम्मीदवारों को इशारा भी कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने सीटों के बंटवारे को लेकर औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन खबरों के बाजार में यह फॉर्मूला तेजी से तैर रहा है। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।